अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है हंदवाड़ा के कंडी इलाके में, कंडी हायर सेकेंडरी में हम इस वक्त मौजूद है। तो नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ के यूथ की, जो यहाँ के यूथ है वो चाहते हैं इस बास्केटबॉल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि जो उनका ये प्लेइंग ग्राउंड है वो ख़राब ना हो सके। क्योंकि उनका ये भी कहना है जो हमारे साइड के जो यूथ है उनमें ज़्यादातर बास्केटबॉल का टैलेंट नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर क्रिकेट खेलने को मिल रहा है। मोहम्मद अकबर खान है, मैं यहाँ कंडी का बाशिंदा हूँ और यहाँ पे कल हम आए थे और यहाँ ये जो यूथ हमारा जो क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे, उन्होंने हमें फ़ोन किया, डीडीसी साहब को फ़ोन किया कि आप यहाँ तक आ जाइए। और जब हमने यहाँ मॉनिटर किया और मैच देखने लगे तो समझो कि रोना आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस एरिया की मुख्तलिफ टीमें, नियर अबाउट 50 टीमें जो है ना वो आती थी, वो खेलती थी और एंटरटेनमेंट। और ये जो है ना आजकल तो हमारे यूथ को पता नहीं कैसे और किन किन मुश्किलात में धकेला जाता है, खासकर ड्रग एडिक्शन और बाकी फाहिशात जो है ना, इससे हमारा गांव दूर रहता था, हमारा ये यूथ दूर रहता था, लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये आपके सामने हाल है, ये देखो कोई ठेकेदार आया है और इसने इसको यहाँ पर वो हैंड क्या बोलते हैं हैंड बास्केटबॉल उसका वो कोर्ट बनाना है, लेकिन वो बहुत सारी जगहों से वापस आके उसने यहाँ उसको यहाँ। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या यहाँ के लड़कों में वो बास्केटबॉल का टैलेंट देखने को मिल रहा है? नहीं, नो वन इज प्लेइंग बास्केटबॉल। अलबत्त क्रिकेटर्स आप देखो यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बहुत ज्यादा टैलेंट है क्रिकेट के लिहाज से। तो सर, आप क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है? हम तो बस यही चाहते हैं इसको यहाँ से उठाया जाए, ये जो है ना ये डस्ट वगैरह जो उन्होंने मटेरियल लगाया इसको दूसरी जगह ये शिफ्ट करें, वहाँ पर भी है थोड़ी जगह है जहाँ बास्केटबॉल बन जाए, और वहाँ पर था एक इंस्टॉल हुआ वो देखे तो वो है इंस्टॉल, और उसी को थोड़ी मरम्मत करके वो भी रह जाएगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पर आप देखो कि थर्ड मैन यहाँ पर ये बैट करते हैं, थर्ड मैन कहाँ बैठेगा? तो ये अफसोस का मुकाम है। नियर अबाउट 40 साल से यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पर हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। ये तो हमारा जो यूथ है इनसे पूछिए, ये रो रहे हैं बेचारे। हमने ये सोचा कि ये चलो ठीक है क्रिकेट खेल रहे हैं, आज तो तालीम भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस से तंग आके ये इस ग्राउंड में आके अपना एंटरटेनमेंट करते थे, लेकिन आज बदकिस्मती से पता नहीं किन लोगों ने यहाँ ये इसके लिए ये जगह मुहैया की। और हम जो है ना गाँव वाले आपको एश्योरेंस देते हैं कि गाँव एकदम एकजुट है और हम इत्तेफाक में हैं और पूरा गांव इसके लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे हमें कोई भी कहीं भी जाना पड़ेगा हम गाँव वाले इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे जो ग्राउंड की जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने काम जो स्टार्ट किया था, यहाँ की जो यूथ जनरेशन जो है प्रेजेंट में आप देख सकते हो कि कितनी जो यूथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें जानते हैं कि जो टैलेंट जो पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्रिकेट में है, ये हैंडबॉल का जो उन्होंने यहाँ पर लाया है शायद परहैप्स हमने पहले भी सुनने में आया, ये कुपवारा में था शायद, आफ्टर डैट उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया। मे बी कुछ इसमें कुछ मैन कुलप्रिट्स होंगे जो शायद चाहते हैं ये काम यहाँ पे हो जाए। आज भी हमने बात, कल हमने पहले डीडीसी से बात की थी, डीडीसी यहाँ पे एडवोकेट जूर साहब आए, उन्होंने हमसे बात की, जवानों को एश्योरेंस दी कि ये काम यहाँ पे मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने जब बात की थी यूथ सपोर्ट्स के मेम्बर से कुछ, तो सुबह वो इस ग्राउंड में आ जाए थे, उनसे भी हमने बात की, उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं चाहते हो तो ये काम हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। बिकॉज कि मैंने उनसे जब बात की, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो यूथ है ये काफ़ी डिप्रेशन में है, सब हम जानते हैं, हम अवेयर इस बात से हैं कि आज सुसाइड बहुत सारे अटेम्प्ट केस करते हैं, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं अगर ये ग्राउंड ऐसे ही रहा, यहाँ पे खेल शुरू नहीं होगा, यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं अच्छे से मिलेगा, ये जो यूथ है फिर शायद कहीं ना कहीं ये ड्रग्स में फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पूरी सोसाइटी भी ख़राब होती है, जो हम नहीं चाहते हैं। डिमांड, हमारी डिमांड ये है कि हमने पहले भी आज कहा कि इसको जल्द से जल्द आप शिफ्ट करो, यहाँ आप देख सकते हो बड़ी जगह है, हायर सेकेंडरी दूसरी जगह पे है, अगर ये बनानी है शिफ्ट भी कर सकते हैं, वैकेंसी है वहाँ पे इसकी, जब दूसरी जगह पे है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, अगर शिफ्ट भी नहीं होती है तो इसको चेंज करिए जल्द से जल्द, ताकि जो हमारे यूथ जनरेशन बाकी चीज़ें ये क्रिकेट में आ जाएंगे, ये इस ग्राउंड में आ जाएंगे फिर से खेलने के लिए। हमारी मैंने जो कल यहाँ का ये यूथ आया था, ये मेरे पास कल भी आए थे, तो फिर मैं जब वहाँ गया मैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, तो मैंने उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो यूथ सर्विस सपोर्ट्स का है उनसे बात की, फिर वो आज वहाँ आए थे इस ग्राउंड में, तो वहाँ एक जो हैंडबॉल का जो बना ग्राउंड बनने जा रहा है, तो मैंने उसमें उस पर एतराज़ जताया कि यहाँ नहीं बनाइए, आप किसी दूसरी जगह बनाइए, हम वहाँ पे आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, आप वहीं इसको ये जो बनाइए। तो सर, आपको वहाँ से यकीन दहानी मिली है जो ये ग्राउंड है इसको दूसरी जगह हम शिफ्ट करेंगे? हाँ, उसने हमें एश्योरेंस दी कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए तो हम इसको दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे।
क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारी कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप जराए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपने आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अजम किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स, मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबर हैं 9906165030195479661। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो। Rakib Sir's Excellence, Paripura, Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence, Paripura, Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333.